कानूनी प्रक्रिया को गुमराह करने के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बड़ा राजपाश किया है। एसआईटी का दावा है कि तत्कालीन गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। एसआईटी ने दावा किया है कि दंगों के थोड़े दिन बाद ही अहमदाबाद सर्किट हाउस में तीस्ता से तलवाड़ कांग्रेस के एक दिग्गज नेता और बाकी लोगों की बाकायदा एक मीटिंग हुई थी, जिसमें तीस्ता को 25 लाख रुपए दिए गए थे। पूर्व आईपीएस बीश्री कुमार और संजीव भट्ट ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की थी। खुफिया विभाग में काम करते संजीव भट्ट ईमेल के जरिए दिग्गज कांग्रेस नेता से लगातार संपर्क में थे। कि वाकई ही ये जो शख्स है वो है कि नहीं है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फोरेंसिक जांच में भी अगर इस बात की पुष्टि हो गई कि वीडियो में दिख रहा आदमी गोल्डी बराड़ ही है, तो वो इस वीडियो को सिद्धू मूसेवाला केस की जांच का हिस्सा बनाएगी। मालकिन की हत्या करने वाला पिटबुल कुत्ता पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से एक जेल जैसे कमरे में बंद है, लेकिन उसने एक बार भी नगर निगम के किसी कर्मचारी या डॉक्टर पर गुस्सा तक नहीं दिखाया। इसीलिए अब लखनऊ नगर निगम की टीम के लिए इस कुत्ते का बर्ताव एक पहेली बना हुआ है। लखनऊ नगर निगम ने ब्राउनी नाम के इस पिटबुल कुत्ते को 14 दिन की नैतिक हिरासत में रखा है। कुत्तों को रखने के सबसे बड़े कमरे में ब्राउनी को रखा गया है। कमरे का साइज है 10 फीट बाय 15 फीट, लेकिन इस लंबे चौड़े कमरे में न तो उसका मालिक अमित त्रिपाठी है और न ही उसका कोई और जानकार, इसलिए नगर निगम भी कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है। बिना इजाजत किसी को ब्राउनी के पास जाने नहीं दिया जा रहा। ये वो कारागार है जिसमें के अंदर पिटबुल है और यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है डू नॉट ओपन गेट विदाउट परमिशन। हालांकि हिरासत में आने के बाद से ही ब्राउनी एक कोने में गुमसुम सा बैठा रहा। पिटबुल है, पिटबुल हमेशा से इसी तरीके से जब से उसको कारागार में लाया गया है वो इसी तरीके से एक कोने में बैठा हुआ है। नगर निगम के लिए पहेली ये है कि उनकी हिरासत में शांत दिख रहे कुत्ते ने अपनी ही मालकिन की जान कैसे ले ली। मंगलवार को जिस वक्त ब्राउनी ने अपनी मालकिन की हत्या की, उस वक्त अमित त्रिपाठी घर पर नहीं थे। पिटबुल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दे आर वन मैन डॉग, कि वो एक ही व्यक्ति को अपना मास्टर समझते हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं। अब नगर निगम की टीम अगले 14 दिन तक ब्राउनी के बर्ताव पर नजर रखेगी।